The students of the class are made to stand in rows. एक क्लास के स्टूडेंट्स को बोला कि आप लाइन वाइज खड़े हो जाए, ठीक है, रोज में खड़े हो जाए. इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी वन रो लेस. कंडीशंस की बात में बात करते हैं, पहले नॉर्मल देखते हैं. नॉर्मल क्या होता है, क्या आपको पता है कितनी रोज है? हमें नहीं पता कितनी रोज. तो लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, रोज कितनी बन गई? X बन गई. जैसे ये एक रो, जैसे आप लोग बैठे हो, ये पूरी एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये पांचवी रो, ऐसे, ठीक है. तो ऐसे रोज में खड़ा करना है सभी को. तो नंबर ऑफ रोज हमें नहीं पता कितनी है, राइट? तो हमने क्या मान लिया आपको? X. हमें ये भी नहीं पता कि एक रो में कितने स्टूडेंट है. सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, और एक रो में कितने स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ एक एक रो में मान लो 10 स्टूडेंट बैठे हैं एक रो में, तो हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो हमने उसको क्या मान लिया? y. क्लियर? सिर्फ प्रेजेंट करना. अगर आप मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऊंचा सा बताओ, उत्कृष्ट, एक्स वाई कितना होगा? एक्स वाई into, अगर यहाँ पर एक रो में 10 बैठे हैं और ऐसी 8 या 9 रो हैं, मान लो 9 रो हैं, तो 9 into 10, 19. ऐसे ही यहाँ पर कितनी रोज हैं? एक रो में बच्चे कितने हैं? तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे? x into मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल सा लॉजिक है. बताओ यहाँ तक किस किस को क्लियर? राशि क्लियर है? नंदनी क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दें हर एक रो में, जैसे पहले 10 बैठे थे तो अब 10 की बजाय 13 बैठा दो एक एक रो में, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, वो कह रहे हैं पहले कितने बैठे थे अब उसे 3 बढ़ा दो. पहले कितने बैठे थे बच्चों एक रो में? तो अब कितने हो जाएंगे? हर एक रो में 3-3 बच्चे बढ़ा दिए. अगर हर एक रो में 3-3 बच्चे बढ़ा दिए तो अब नंबर ऑफ रोज कम बनेगी. नंबर ऑफ रोज क्या होंगी? क्योंकि उन्हीं रोज में से बच्चों को निकालकर इधर शिफ्ट किया होगा ना. नए बच्चों थोड़ी ना कर रहे हैं हम यहाँ पे, नए बच्चे थोड़ी ना लेकर आ रहे हैं. क्या कर रहे हैं? उन्हीं को शिफ्ट कर रहे हैं, 3-3 हर एक रो में बढ़ा रहे हैं. तो अब रोज कम बनेंगे. कितनी रो कम बन रही है? 1 रो में. सो नंबर ऑफ रोज पहले एक्स थी तो अब कितनी हो जाएगी? क्या मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? इस केस में रोज कितनी है? x माइनस 1. एक रो में बच्चे कितने हैं? y प्लस. तो आपके हिसाब से इस फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आने चाहिए? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, दैट इज x माइनस 1 इंटू y प्लस 3. क्या ये जो बच्चे अब हैं ये पुराने बच्चों के जितने ही हैं या कम और ज्यादा हो गए हैं? एग्जैक्ट सेम है. कौन कौन एग्री कर रहा है? बस आपने उसी में बस शिफ्टिंग तो की थी, राइट? तो जितने बच्चे पहले थे उतने ही बच्चे अब हैं. तो जो ये वाली कंडीशन है x माइनस 1 इंटू y प्लस 3, वो x y के किस क्या होगी? इसको सॉल्व करके इजिली यू कैन मेक दी फर्स्ट इक्वेशन. जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई और एक्स वाई आपस में कट जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी टू वेरिएबल्स. यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए प्लीज. साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं, आगे समझे इसको, समझना शुरू करें. यहां तक नोट हो गया तो सेकंड केस में वो कंडीशन क्या लगा रहे हैं देख लो. अगर किसी का नोट नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं. हो गया सभी का नोट? सेकंड कंडीशन, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, हर रो से 3 स्टूडेंट्स कम कर दो. तो सेकंड केस में, सेकंड केस ख्याल कर नोट करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, समझने के साथ साथ नोट भी करें. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, जो कि पहले y थे अब 3 कम हो जाएंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, जो कि पहले y थे अब 3 कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? y माइनस 3. अब अगर आप हर रो से बच्चे कम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तो उतने ही रखने हैं. तो कितनी एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ रही है? 2 मोर रोज बनानी पड़ रही है.
तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी अब, पहले x थी तो कितनी हो जाएंगी बच्चों, x प्लस टू। यहां तो समझ आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90। कैसे निकालें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 - 3 × x + 2। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, जो ये वाला है डाटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस केस में है उतने ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में और उतने ही ओवरऑल है, हाँ या ना। तो इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, एक्स वाई के इक्वल। बच्चे तो उतने ही रहेंगे ना जितने पहले थे, पहले एक्स वाई थे, अब भी एक्स वाई ही रहे, भले आपने रोज बढ़ाई और बच्चे एक रोज से कम किए लेकिन ओवरऑल बच्चे तो सेम ही है उस रूम में। अगर पहले 90 स्टूडेंट थे तो अभी 90 ही रहेंगे। तो यहाँ पर x प्लस टू इंटू वाई माइनस थ्री करके किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि किसके इक्वल है, x। जब आप इसके ब्रैकेट को सॉल्व करोगे x की मल्टीप्लाई y से भी होगी, x की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से भी होगी, टू की मल्टीप्लाई y से होगी, टू की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से भी होगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में भी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और सिंपल सी यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, बताओ किस किस को क्लियर हुआ है, ऊंचा सा लगाया, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।